नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पर। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं पहले फिर से आपको चैप्टर याद दिला दूं, जनसंघर्ष और आंदोलन, जनसंघर्ष और आंदोलन। तो बच्चे देखिए, हमने पिछली क्लास में नेपाल को डिस्कस किया था कि देखा गया कि किस तरीके से नेपाल में 7 जो पार्टी अलायंस थी SPA वो मिल गई, माओवादी लोग मिल गए, अन्य संगठन मिल गए और इन्होंने क्या किया, जनसंघर्ष किया लोकतंत्र के लिए। यहाँ तक कि शिक्षकों का, वकीलों का, आम नागरिकों का भी उन्हें क्या मिला था, समर्थन मिला था। लेकिन बोलविया में अगर आप केस में देखेंगे तो क्या बोलविया आंदोलन की अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने की थी? नहीं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि बोलिविया जो क्रांति हुई थी बोलिविया में, यहां हमें बच्चे इस बात को याद रखना है कि बोलिविया में जनसंघर्ष की अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। इस बात को सभी बच्चे आप याद रखेंगे कि बोलिविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसके अगुवाई, उसका नेतृत्व किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, जबकि नेपाल में किया था। लेकिन प्रश्न है कि तो फिर नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा कि जो बोलिविया क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो जिस संगठन का नाम था उसे कहते हैं फेडेकोर। क्या कहते हैं? फेडेकोर। फेडेकोर बच्चे एक संगठन थी और इसी संगठन ने क्या किया था, बोलिविया क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब प्रश्न है कि फेडेकोर में कौन कौन लोग थे? तो याद रखिएगा कि फेडेकोर संगठन में वहां के जो इंजीनियर थे वो भी थे, इंजीनियर के साथ पर्यावरणविद यानी जो पर्यावरण की बात करते थे वो लोग भी थे इस फेडेकोर संगठन में, यानी कि पूरे इंजीनियर भी थे, पर्यावरणवादी भी थे। और याद रखिएगा इसके साथ ही साथ स्थानीय कामकाजी लोग भी थे, स्थानीय कामकाजी लोग भी थे। तो हमने देखा कि बोलिविया क्रांति जो हुई थी उसका नेतृत्व तो किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, उसका नेतृत्व फेडेकोर नाम के एक संगठन ने किया। और इस संगठन में बच्चे हमने देखा कि इस संगठन में इंजीनियर भी शामिल है, पर्यावरणवादी भी शामिल है और कई स्थानीय लोग भी शामिल थे। तो याद रखिए ये सब इस संगठन में शामिल थे। लेकिन क्या इस जनसंघर्ष को समर्थन भी मिला था? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसे वहां के गरीब जो सिंचाई पर जिंदा थे, सिंचाई पर निर्भर करते थे, वैसे किसानों ने समर्थन दिया, मजदूर संगठनों ने समर्थन दिया, छात्रों ने संगठन दिया और वैसे बच्चों ने समर्थन दिया जो बेघर बार के हो चुके थे। तो और पूरी आबादी का इन्हें समर्थन मिला। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा एक पार्टी थी जिसने इसको समर्थन दिया था और वो थी सोशलिस्ट पार्टी। वहां की सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया था, समर्थन दिया था। इस बात को याद रखेंगे बच्चे कि सोशलिस्ट पार्टी ने बोलिविया के आंदोलन को क्या किया, समर्थन दिया। तो हमने देखा कि वहां के किसान, मजदूर संगठन, छात्र बेघर बार हो चुके बच्चों की आबादी ने समर्थन दिया, साथ ही साथ सोशलिस्ट पार्टी ने भी क्या किया, इस आंदोलन को समर्थन दिया। और 2006 में इसी पार्टी को सत्ता मिली थी। याद रखेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी को ही 2006 में क्या मिली थी बच्चे, सत्ता मिली थी। तो हमने इस बात को याद रखेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी ने जो समर्थन दिया था इसे 2006 में बोलिविया की सत्ता भी मिली। इसका मतलब है कि इन उदाहरणों से क्या पता चलता है बच्चे, इन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि संघर्ष के पीछे संगठन भी होते हैं। याद रखिएगा ये सारे उदाहरण हमें एक ही बात बताते हैं और वो क्या बताते हैं कि अगर आप कोई भी संघर्ष कर रहे हैं तो उस संघर्ष के पीछे कौन होता है, तो उस संघर्ष के पीछे कोई ना कोई संगठन होता है। याद रखिएगा कि संघर्ष के पीछे कौन होता है बच्चे, संगठन होता है, क्योंकि जब आप संगठित हो जाते हैं तो जन आंदोलन और भी
तेज हो जाता है। अच्छा याद रखिएगा कि संगठन तो होते हैं पर ये संगठन भी दो तरह की भूमिका निभाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि हर एक संघर्ष के पीछे क्या होता है, संगठन होता है। लेकिन ये जो संगठन होता है, ये जो संगठन है, ये भी दो तरह की भूमिका निभाता है। कितने तरह की भूमिका बच्चे? दो तरह की भूमिका। तो जरा देखते हैं कि ये दो तरह की भूमिका क्या होती है जिसे हम बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो संगठन है, संगठन दो तरह की भूमिका निभाता है। तो यह संगठन दो तरह की भूमिका निभाता है, हमें पता करना है कि यह दो तरह की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले बच्चे याद रखिएगा कि पहले तो राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी, पहला क्या है कि राजनीति में संगठन प्रत्यक्ष भागीदारी करे, राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी। जरा समझते हैं कि राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी क्या है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बेटा सीधे रूप से सामने आकर। तो याद रखिएगा कि अगर हर एक जन संघर्ष के पीछे संगठन होता है तो यह संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है। तो हमने पहली भूमिका देखी कि यह संगठन राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से आता है, और अगर प्रत्यक्ष रूप से आएगा तो क्या अपनी पार्टी बनाएगा? डेफिनेटली। याद रखिएगा बच्चे कि अगर राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करेगा तो पहले क्या है, अपनी पार्टी बनाते हैं। सिंपल सी बात है, बिना पार्टी बनाए तो भागीदारी नहीं हो सकती। अच्छा अगर बच्चे ये पार्टी बनाएंगे तो क्या चुनाव लड़ेंगे? डेफिनेटली। तो हमने दूसरा पॉइंट ये देखा कि अगर ये पार्टी बनाते हैं तो फिर चुनाव भी लड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चे? चुनाव भी लड़ते हैं। और अगर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? तो फिर सरकार बनाते हैं। तो हमने देखा कि राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी कर रहे हैं, पार्टी भी बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और सरकार भी बनाते हैं। लेकिन याद रखेंगे किंतु हर नागरिक प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करता। याद रखेंगे अगर पॉलिटिकल पार्टी बना रहे, लड़ रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि सभी नागरिक प्रत्यक्ष भागीदारी करें, सामने से आके पॉलिटिकल पार्टी में भागीदारी करें? क्योंकि बच्चे हर एक नागरिक के बस की बात नहीं है, बहुत नागरिक तो इससे दूर ही रहते हैं। तो क्या होता है कि ये बात हमें नहीं समझना कि सारे के सारे नागरिक आकर प्रत्यक्ष भागीदारी करेंगे, कि ये भी हो सकता है कि कुछ नागरिक प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं भी करें। अच्छा फिर याद रखिएगा कि अगर प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपने लिए भी संगठन बनाते हैं। याद रखेंगे कि लोग जो हैं अगर प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं कर रहे हैं तो लोग भी क्या बनाने लगते हैं, अपने संगठन बनाने लगते हैं अपनी बात के लिए। तो हमने देखा कि लोग प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते हैं तो क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जो संगठन बनाते हैं तो आप इस संगठन को क्या कहेंगे लोगों का, वो अपने हित की बात करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, हित समूह। अगर वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि नहीं हमारा ये काम होना चाहिए तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, दबाव समूह। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि सभी नागरिक राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते। तो जो भागीदारी नहीं करते हो सकता है कि वो लोग अपना संगठन भी बनाते हैं, जैसे हित समूह और दबाव समूह। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा याद रखेंगे दूसरी बात, पहला तो मैंने आपको भूमिका समझा दिया और दूसरा भूमिका क्या होता है, बिना संगठन बनाए, बिना संगठन बनाए, कोई जरूरी नहीं है कि वो संगठन भी बनाए। तो हमने देखा कि पहले क्या था कि राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी कर रहे हैं, पार्टी वगैरह बना रहे हैं, पर दूसरी भूमिका क्या है कि ऐसी कोई पार्टी या संगठन ये नहीं बनाए। तो बच्चे याद रखिएगा कि अगर ये ऐसे संगठन नहीं बनाते हैं लेकिन क्या करते हैं, अपनी मांग के लिए एकजुट हो जाते हैं। इसका मतलब है संगठन तो नहीं बनाया पर मांग के लिए, मांग के लिए क्या हो गए बच्चे, ये एकजुट हो गए। तो संगठन नहीं बनाया, मांग के लिए एकजुट हो गए, और अगर एकजुट हो जाते हैं बच्चे तो इसे भी एक हम नाम देंगे, और इसे जो हम नाम देंगे उसे हम क्या कहेंगे, समूह आंदोलन। क्या कहेंगे, समूह आंदोलन।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संगठन दो तरह की भूमिका निभाता है, एक राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करके और दूसरा बिना संगठन बनाए बस मांग के लिए एकजुट हो जाए और एक आंदोलन करे जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, समूह आंदोलन। पूरी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि किस तरीके से संगठन जो है बच्चे दो तरह की भूमिका निभाता है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक तो बच्चे हमने सीख लिया, लेकिन अब हम अगले पॉइंट में अब जरा इस दबाव समूह की बात करते हैं कि कैसे ये दबाव समूह जब अब आगे काम करेगा। तो बच्चे जो हमारा अगला पॉइंट है वो है दबाव समूह और आंदोलन। देखते हैं कि ये दबाव समूह कैसे आंदोलन करता है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है बच्चे दबाव समूह और दबाव समूह और आंदोलन। जैसा बच्चे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि दबाव समूह क्या है, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ लोग सरकार को प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते पर अपने संगठन बना करके सरकार पर अपनी बात के लिए जोर डाल सकते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो दबाव समूह हैं वो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि दबाव समूह क्या कहते हैं करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सरकार की नीतियों को क्या करते हैं बच्चे, प्रभावित करते हैं, तभी तो वो उन पर दबाव डालते हैं अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए। अच्छा फिर हमने देखा, पर एक बात याद रखिएगा कि दबाव समूह जो है वो सरकार की नीतियों को प्रभावित तो करते हैं लेकिन इनका यह लक्ष्य नहीं है कि यह सत्ता पर नियंत्रण करें या हिस्सेदारी करें। याद रखिएगा कि दबाव समूह सत्ता पर नियंत्रण या हिस्सेदारी नहीं करता, ये सिर्फ प्रभावित करते हैं, सत्ता पर नियंत्रण या हिस्सेदारी नहीं करता। तो हमने देखा कि जो दबाव समूह है बस वो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, पर उनकी नीतियों को प्रभावित करने का ये अर्थ नहीं है कि वो सत्ता में भागीदारी करें या सत्ता में अपना हिस्सा मांगे, और ना ही वो सत्ता को नियंत्रित करना चाहते हैं, बस वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं ताकि उनके हितों में कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा फिर इस बात को समझना है बच्चे हमें कि दबाव समूह का निर्माण तब होता है, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशा हित या मत के लोग किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि दबाव समूह का निर्माण कब होता है, जब दबाव समूह का निर्माण कब होता है बच्चे, जब फिर से सुनिए, जब एक हित एक मत या एक जैसे उद्देश्य के लिए एक लोग जुट हो जाते हैं। कब होता है बच्चे, एक हित एक मत और एक उद्देश्य के लिए अगर लोग एक जुट हो जाएं तो किसका निर्माण हो जाता है, दबाव समूह का। सभी बच्चे याद रखेंगे कि दबाव समूह का निर्माण तभी होता है जब मान लीजिए एक पेशा में लगे हुए लोग हैं वो एक हो जाएं, एक मत विचारधारा के लोग हैं वो एक हो जाएं, एक ही जैसा उद्देश्य हो कुछ लोगों का वो एक हो जाएं। तो जब ये एक जुट हो जाते हैं तभी किसका जन्म होता है बच्चे, किसका निर्माण होता है, दबाव समूह का निर्माण होता है। इस तरह याद रखिएगा हम कई तरह की सामूहिक कार्रवाई के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द भी सुनते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि दबाव समूह का निर्माण हुआ, उसके बाद हम क्या है कि कई तरह की कार्रवाई के लिए भी तो हम जन आंदोलन जैसा शब्द सुनते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि एक तरह की मतलब इस तरह से सोचिएगा बच्चे कि हम जन आंदोलन का भी नाम सुनते हैं। कब ये नाम सुनते हैं, जब कई तरह की सामूहिक कार्रवाई करना हो। मान लीजिए कि कई तरह की सामूहिक
कार्रवाई के लिए हम क्या नाम सुनते हैं बच्चे? जन आंदोलन का हम नाम सुनते हैं। याद रखिएगा कि कई तरह की सामूहिक कार्रवाई के लिए जन आंदोलन का हम नाम सुनते हैं। जन आंदोलन का क्या करते हैं? नाम सुनते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं बच्चे, जैसे सुनते हैं, जैसे आपने ये सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो याद रखिएगा बच्चे कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं बच्चे, क्या हुआ था कि गुजरात में जो नर्मदा नदी है उस पर सरदार सरोवर बांध बन रही थी। तो अगर आप किसी नदी पर बांध बनाएंगे तो वहां के आसपास लोगों को तो वहां से हटना होगा। तो जो आसपास के लोग हैं उनको निवास की दिक्कत हुई, पुनर्वास की दिक्कत हुई कि वो कहाँ जाकर बसेंगे। तो इसी पर एक समाज सेविका थी मेधा पाटेकर, तो मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी ताकि स्थानीय लोग जो वहां से अलग हट रहे हैं उन्हें दोबारा पुनर्वास मिले या उन्हें वहां से नहीं हटाया जाए, वहीं पर रखा जाए। तो इससे क्या हुआ कि और जो बड़े बड़े बांध परियोजना चल रही थी सभी क्या हुई, प्रभावित हुई इस आंदोलन से। कहीं ना कहीं लोगों ने सभी बांधों के परियोजनाओं को शक से देखा कि क्या यहाँ के लोगों को हटा दिया जाएगा, निर्वसित कर दिया जाएगा। तो बच्चे इसी तरह से हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे आंदोलन को सुनते हैं, जैसे सूचना का अधिकार आंदोलन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कहते हैं बच्चे। तो बहुत लोगों ने सूचना के अधिकार के लिए भी आंदोलन किया। उसके बाद हम महिला आंदोलन सुनते ही हैं, पर्यावरण बचाओ आंदोलन भी सुनते हैं। बच्चे ये जो आंदोलन है ये ऐसा नहीं है कि छोटे समय, ये लंबे लंबे समय तक चलती रहती है और हमेशा हम इस आंदोलन की बात सुनते रहते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि आंदोलन भी राजनीति को प्रभावित करते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि ये जितने आंदोलन हैं ये भी क्या करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं। आंदोलन भी राजनीति को प्रभावित करते हैं, आंदोलन भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे कि ये जो आंदोलन होता है इनका संगठन ढीला ढाला होता है, ये उतने संगठित नहीं होते जैसे और सब संगठन है। तो हमने देखा कि आंदोलन का जो संगठन है वो भी कैसा है, ढीला ढाला है, और इनके फैसले भी बेटा अनौपचारिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स यही फैसला हो, वेरिएशन हो सकता है। तो याद रखिएगा कि आंदोलन में संगठन का रूप भी क्या होता है, ढीला ढाला होता है, फैसले भी अनौपचारिक ढंग से होते हैं। अच्छा, आम जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है, क्लियर है? आंदोलन की किस पर निर्भर करती है बच्चे? आम जनता की भागीदारी पर, कि क्या आम जनता भागीदारी कर रहे हैं। ये नहीं सोचिएगा कि इसमें भी दबाव समूह आएंगे, क्योंकि जनरली आंदोलन कौन करता है, आम जनता ही तो करती है। तो याद रखिएगा कि जब दबाव समूह इसमें आते ही नहीं तो इसका संगठन क्या होगा, ढीला ढाला होगा, फैसले भी अनौपचारिक होंगे। अगर आम जनता इसमें सहभागी कर रही है तो आंदोलन तेज होगी, वरना आंदोलन भी क्या पड़ता जाएगा, धीमा पड़ता जाएगा। पूरी बात समझ में आई? ठीक है, तो बच्चे यहां तक तो हमने सीख लिया, अब जरा अगले पॉइंट को फिर हम देखते हैं और देखते हैं वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। इसका मतलब है कभी कभी क्या होता है कि समाज में कोई विशेष वर्ग है तो उनके भी तो हित समूह होते हैं, और सामान्य वर्ग है उनके भी हित समूह होते हैं। तो हमें यह देखना है कि विशेष वर्ग के हित समूह और सामान्य वर्ग के हित समूह किस तरीके से आंदोलनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बच्चा हमारा अगला पॉइंट है वर्ग विशेष के हित समूह, वर्ग विशेष के हित समूह एवं जन सामान्य के हित समूह एवं जन एवं जन सामान्य के हित समूह। तो चलिए बच्चे इसको सीखते हैं। पहले याद रखिएगा हित समूह जो है समाज के पास हिस्सा या सामूहिक हित को बढ़ावा देते हैं। एक बात याद रखिएगा, हित समूह क्या करते हैं कि समाज के किसी खास, समाज के किसी खास वर्ग की बात करते हैं, ठीक है, ताकि उनका हित प्रभावित ना हो। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि हित समूह समाज के किसी खास हिस्से या समूह के हित को बढ़ावा देते हैं। हित समूह किसको बढ़ावा देते हैं बच्चे? समाज के किसी खास हिस्से को, समाज के किसी खास हिस्से या
समूह के हित को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो सभी की भागीदारी नहीं करते, जो समाज उनके लिए होगा उसी समाज के हित को वो बढ़ावा देंगे, उसी के लिए क्या करेंगे, वो भागीदारी करेंगे। जैसे मजदूर संगठन, अब बच्चा जो मजदूर संगठन है वो मजदूरों को ही तो बात करेगा, समझ में आए बच्चे, जैसे मजदूर संगठन, मजदूर संगठन के साथ साथ बच्चे ये जो होते हैं शहरों में आप जिसे वो व्यापारी व्यवसायिकों के संघ, व्यावसायिक संघ, तो याद रखेंगे कि कहा गया है कि जो हित समूह है वो समाज के किसी खास हिस्से या समूह की ही बात करेंगे, जैसे मजदूर संगठन हो गई, व्यावसायिक संघ हो गई। अच्छा, किसी खास मान लीजिए वो किसी खास समुदाय या जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा कि हित समूह किसी खास समुदाय या जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, समुदाय या जाति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और वो इसी के फेवर की बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो हमने देखा बच्चे कि समुदाय या जाति का क्या करेंगे, वो प्रतिनिधित्व करेंगे और इनके सरोकार भी अपने सदस्यों के लिए होगा, ताकि उनके सदस्यों को क्या मिले, लाभ मिले। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि हित समूह जो होते हैं वो समाज के किसी खास हिस्से या समुदाय के हित की बात करेंगे। क्लियर है? वो उसी जैसे मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ है, और ये लोग क्या होते हैं, उसी खास समुदाय या जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके अपने सरोकार होते हैं और अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण की ही बात करेंगे और इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। और ऐसा कोई काम भी वो नहीं करेंगे जिनसे इनके समुदाय को या इनके जाति का लाभ न हो, इनका जो भी काम होगा अपने समुदाय या जाति के लाभ के लिए होगा। जैसे मैंने आपको कहा था ना, बोलिविया में जो फेडेकोर संगठन, फेडेकोर थी, उसी ने साथ दिया था, तो फेडेकोर उसी तरह याद रखिएगा नेपाल में मानवाधिकार संगठन भी तो आई थी। तो हमने देखा कि बोलिविया में फेडेकोर संगठन ने साथ दिया, लेकिन नेपाल में मानवाधिकार संगठन भी तो आई थी, तो मानवाधिकार संगठन ने नेपाल के फिर लोकतंत्र की बात की थी। अच्छा, अब याद रखिए इसमें लोक कल्याणकारी हित समूह भी होते हैं, याद रखिएगा जो इन लोगों की बात करेंगे वो क्या होंगे, लोक कल्याणकारी हित समूह, लोक कल्याणकारी हित समूह। अब ये प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी हित समूह क्या है, तो याद रखिएगा हित समूह वर्ग विशेष की बात करते हैं, लेकिन लोक कल्याण जो है सबकी भलाई सोचते हैं, लोक कल्याण समूह क्या करते हैं, सबकी भलाई की बात करते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि जैसे मैंने कहा अभी आपसे कि नेपाल में मानवाधिकार संगठन ने नेपाल के आंदोलन का समर्थन किया, तो क्या वो किसी खास वर्ग या समुदाय के लिए था या पूरे नेपालियों के लिए, तो बच्चे आंसर क्या है, पूरे नेपालियों के लिए। तो जो ऐसे हित समूह कहलाते हैं जो सबके कल्याण की बात करें, आप उसे क्या नाम देंगे, लोक कल्याणकारी हित समूह, और लोक कल्याणकारी हित समूह सभी के हित की बात करते हैं। याद रखिए इनका एक ही लक्ष्य होता है कि अपना नहीं पर दूसरों की भलाई हो जाए, दूसरों की मदद हो जाए, यानी जो लोक कल्याणकारी हित समूह है वो अपने फायदे, अपने भलाई और अपने हित की बात नहीं करता, वो पूरे समाज के हित की बात करता है, उनके फेवर की बात नहीं करता। ठीक है, जैसे बच्चे मान लीजिए बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले हित समूह, कुछ लोग बंधुआ मजदूरी करते हैं, करवाते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ने वाले हित समूह हैं, इन्हें क्या फायदा होगा, लेकिन कम से कम बंधुआ मजदूरों का तो फायदा होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे हित समूह का भी फायदा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कभी कभी ऐसे हित समूह का भी फायदा होता है, जैसे बाम सेफ। बच्चे ये जो बाम सेफ है ये भी एक संगठन था, इसमें इनका भी फायदा हो रहा था और बाहर का। बच्चे अगर बाम सेफ का मैं अगर आपको फुल फॉर्म बताऊंगा तो वही है बच्चे, वो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी जो है आपको वो वेलफेयर की एक फेडरेशन थी। तो हम समझ सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि जो बाम सेफ है वो लोक कल्याणकारी क्या है, हित समूह है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेडरेशन, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिस्ट जो है आपको क्या है बच्चे, वो फेडरेशन है। अच्छा, उसी तरह याद रखिएगा कि सरकारी कर्मचारियों का भी तो संगठन होता है, तो जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन होता है वो भी तो सरकारी कर्मचारियों के हित की बात करते हैं। अच्छा, याद रखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है वो जातिगत भेद के भी खिलाफ होता है, क्यों, ये बाम सेफ में था। सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसी तरह एक लोक कल्याणकारी हित समूह था जिसका क्या नाम था, बाम सेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज
कम्युनिटी फेडरेशन, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी फेडरेशन, यानी जो पिछड़े वर्ग के क्षेत्र हैं ये उनका संगठन था। और इसने क्या किया था कि सरकारी नौकरी में, याद रखेंगे सभी बच्चे, कि सरकारी नौकरी में जातिगत भेद को रोकने की इन लोगों ने बात की थी, जाति भेद को रोकने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं बामसिफ क्या था, लोक कल्याणकारी हित समूह था, इसमें इनका भी फायदा था और लोगों का भी फायदा था कि सरकारी नौकरी में कम से कम किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होगा। और याद रखिए इनका जो उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता। इस बात को याद रखिएगा कि बामसिफ चाहती थी सामाजिक न्याय मिले और सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक क्या मिले, समानता मिले। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देखा कि किस तरीके से वर्ग विशेष का हित समूह है और जन सामान्य का भी हित समूह है, पर वर्ग विशेष के हित समूह किसी खास हिस्से और समूह की बात करते हैं, पर जो जन सामान्य के हित समूह है बच्चे वो लोक कल्याणकारी हित समूह है और वो पूरे समाज की बात करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को बच्चे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।